गाइस देखिए, ये राजा महाराजा का गाड़ी है जो कि बहुत टूट टूट गई है इस समय। इसमें रानी बैठ कर जाती थी, राजा चलाते थे, तो बहुत सुंदर दिखता था। अब तो अंग्रेज के शासन का था, अब अंग्रेज चले गए तो राजा महाराजा सब चले गए। एक सीट सिर्फ बची है और हैंडल अंग्रेज ले चले गए लगता है इसका। तो आपको लोकेशन दिखाते हैं अंदर का। ये दरवाज़ा है और बहुत अच्छा, बहुत भयानक दरवाज़ा है, बहुत डरा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। मैं अशोक कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ऐसा लोकेशन पर ले चले जहाँ एक हवेली, उस हवेली को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लगभग 100-200 किलोमीटर दूर से उस हवेली को देखने के लिए आते हैं। आज मैं उस हवेली को दिखाएंगे, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हमारे ब्लॉग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और तो चलते हैं अब हवेली। हेलो गाइस, हम निकल चुके हैं हवेली की तरफ। ये नहर आ चुकी है, लार पार का नहर है ये, और बहुत बड़ी नहर है ये, और पानी भर रहा हुआ है, पूरा भर के जा रहा है। तो आपको पूरा बताते चलेंगे लोकेशन, आप लोकेशन देखकर उस हवेली तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। स्कूल में बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं देखने पूजा करने के लिए। पेट्रोल नहीं है, मैं पेट्रोल भरा लेंगे फिर आगे निकलेंगे हवेली की तरफ। तो पेट्रोल भरा लें उसके बाद निकलते हैं हवेली की तरफ। तो चलते हैं, पेट्रोल भरा लेते हैं। तो पेट्रोल टंक आ चुकी है, अब पेट्रोल भरा लें उसके बाद निकलते हैं हवेली की तरफ। तो गाइस ये है पेट्रोल टंक, जो कि बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर। अब आ गए हैं पेट्रोल टंक का, अब भरा कर निकलते हैं। भाई 200 के डाल दीजिए पैसा, अब उनको नहीं सनी पैसा दियो। बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर, लाइन लगती है पेट्रोल टंक पेट्रोल भराने के लिए। भैया 200 के डाल दीजिए। देखिए बहुत भीड़ रहती है, तो जल्दी अभी निकलते हैं, जब पेट्रोल भरा जाता तो निकलते हैं हवेली की तरफ। तो यहाँ 200 के पेट्रोल, तो 200 अब पेट्रोल भरा रहा है। गाइस देखिए वहाँ पर पेट्रोल, अब पेट्रोल जैसे भराएंगे यहाँ से निकलेंगे हवेली की तरफ, आपको दिखाएंगे हवेली। तो पेट्रोल भरा चुका है, यहाँ बहुत भीड़ रहती है भाई। पेट्रोल टंक पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, रानीपुर की पेट्रोल टंक है, बहुत ज़्यादा भीड़। अब निकल चलते हैं, पहुँचते हैं वहाँ हवेली पे, देखते हैं। अभी बहुत लोकेशन है जो कि बहुत दूर है, लोकेशन आपको दिखाते चलेंगे। आप देख गाइस देखिए क्या हरियाली है, कितना हरियाली है यहाँ, आपको लोकेशन पूरा दिखाते चलेंगे हवेली का। और आप इस वीडियो को देखकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं हवेली तक। तो आप लोकेशन देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, हम ले चलते हैं आपको हवेली। गाइस यही पेड़ है जो कि इस पर हाईवे जा रहा था, नहीं जा पाया क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है। तो देखिए यहाँ का लोकेशन, ये गांव का लोकेशन है, ये गांव का लोकेशन है। देखिए हरी भरी पत्ती, एकदम सुहाना मौसम, सुहाना मौसम और हरी हरी पत्ती है और हरा हरा पेड़ है। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको ले चलते हैं हवेली की तरफ। और यहाँ से हवेली बस कुछ ही दूर पर है। ये देखिए टोल गेट है, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं उसका फीस लगता है, और छोटी गाड़ी को जाने देते हैं, जैसे बाइक हुई तो इन सबका टोल फ्री रहता है। अभी टोल तो नहीं लिया जाता इस पर, सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब क्रॉस होती हैं इस टोल से तो यहाँ से फीस ली जाती है टोल का। तो जो खुफिया हवेली है, तो हम लोग नीचे से जा रहे हैं, ब्रिज के नीचे से ये रामनगर के साइड जाएगा। तो आप लोग इस लोकेशन के देखते हुए उस हवेली तक पहुँच सकते हैं। तो आप सब मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको ले चलते हैं उस हवेली का, जहां आपको बताया गया है कि बहुत से लोग उस हवेली को देखने के लिए आते हैं। तो चलते हैं हवेली की तरफ। यहाँ देखिए बहुत
आराम से निकलना होगा क्योंकि यहाँ गाड़ी बहुत आती है। तो देखिए ब्रिज के नीचे से जा रहा हूँ, ब्रिज के नीचे से दाहिने साइड घूम जाना और सीधे जाना है ब्रिज के नीचे, और बचा कर हम चलते हैं। आप लोग ही आइएगा तो बचा कर ही आइएगा क्योंकि बहुत भीड़ है, थोड़ा भीड़ में बहुत दिक्कत होता है, कहीं कोई आपको ठोक देगा तो गलती आपकी होगी, अगला वाला नहीं होगा, इसलिए बचा के चलिए। देखिए बच्चों का छुट्टी हो चुका है स्कूल का बहुत जल्दी, तो चलते हैं हवेली की तरफ। लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो देखिए यहाँ पर कोई मड़ाई वड़ाई डार कर रह रहे हैं। तो भाई गरीबी की कमी नहीं है, यूपी है, यूपी में बहुत गरीब लोग हैं, ये जंगल है और जंगल में भी अपना बसेरा कर ले रहे हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं जंगल में बहुत मोटा मोटा सा पेड़ है, लोकेशन बहुत अच्छा है, ये लोकेशन बहुत पेड़ पौधा बहुत सुहाना लग रहा है हमको। आप लोगों को कैसा लगेगा इस वीडियो में हमको तो अभी नहीं पता है, आप लोग जब देख लेंगे तब तो पता चलेगा। गाय जमा चुके हैं, मकरान हवेली आ चुके हैं इस समय, तो देखते हैं हवेली। अब आपको लोकेशन दिखाते हैं हरियाली की, कितने हरियाली है इसमें, तो आपको दिखाते हैं लोकेशन। देखिए कितना हरियाली है इस लोकेशन में, यही हवेली है जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है बाहर से नज़ारा। गाइस देखिए ये राजा महाराजा का गाड़ी है जो कि बहुत टूट टूट गई है इस समय, नहीं तो इसमें रानी बैठकर जाती थी, राजा चलाते थे तो बहुत सुंदर दिखता था। अब तो अंग्रेज के शासन का था, अब अंग्रेज चले गए तो राजा महाराजा सब चले गए, बहुत एक सीट सिर्फ बची है और हैंडल अंग्रेज लेके चले गए लगता है इसका। तो आपको लोकेशन दिखाते हैं अंदर का, तो चलो अंदर का लोकेशन दिखाते हैं। तो गाइस देखिए अंदर बहुत अच्छा दिख रहा है लोकेशन इसका, देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर सब घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए, ये देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, यहाँ पर राजा लगता है यहाँ पर राजा बैठते थे, जब अंग्रेज का शासन था तो यहाँ पर राजा बैठते थे, देख लीजिए यही है बैठने वाला, तो ये राजा का बैठने वाला है जगह। और तो देखते हैं कितना इसमें रूम है, वीडियो बनाते। हाँ भाई बन रहा है, यस। तो आपको दिखाते हैं भाई, ये है पहले का राजा महाराजा वाला, देख लीजिए बहुत सुंदर दिख रहा है, बाहर से तो बहुत सुंदर दिख रहा था, अब अंदर से देखते हैं, इसमें दरवाज़ा ही नहीं बचा है, सब दरवाज़ा अंग्रेज के शासन में उखाड़ के लेके चले गए। तो भाई देख लीजिए इतना लोग देखने के लिए आए हैं इस, हम लोग वहां से आए हैं। देख लीजिए भाई आप लोग कहां से आए हैं, कहां से आए हैं, एसएन से। तो भाई देख लीजिए, तो आपको दिखाते हैं, और इसमें रूम बहुत है, लगभग बहुत रूम है इसमें, ये देखिए ये क्या है, ये लगता है गुफा उफा है क्या भाई, ये गुफा है, इसमें गुफा में घुस जाएंगे तो निकलेंगे नहीं। लाइट लीजिए, लाइट। तो ठीक अभी आते हैं, ये खिड़की में ही घुसिए और दरवाजा पड़े निकलिए, ऐसे अंग्रेज लोग बनाए थे। देखिए ये लोकेशन देखिए, जिधर से चाहे उधर से आप बाहर जा सकते हैं और अंदर घुस सकते हैं, यही लोकेशन है। तो देख लीजिए कितना सुंदर दिख रहा है हवेली है, और हवेली में बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पर आते हैं वीडियो बनाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ का लोकेशन दिखाते हैं, शायद देखिए यहाँ पर सब स्कूल से आए हैं देखने के लिए इस हवेली को, इस हवेली में क्या खुफिया आपको दिखाते यही है, जो कि इसके अंदर कोई जाता नहीं है, बहुत अंधेरा है, क्या खुफिया इसमें नहीं पता है, अंधेरा बहुत है। देख लीजिए सब कॉलेज से आए हुए हैं, बहुत पढ़ते उड़ते बच्चे दिख रहे हैं,
तो आपको दिखाते हैं और अगला। देखिए गाइस ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, पहले राजा महाराजा इसी से जाते थे और हम लोग चलते हैं इसी से। आप ब्लॉक में बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं। ये सीढ़ी भी बहुत छोटा है जो कि चलने में दिक्कत हो रही है, और देख लीजिए ऊपर से नज़ारा देख लीजिए। इस पे रानी चढ़ती थी और पूरा नज़ारा देखती थी, और देख लीजिए यहाँ का नज़ारा, ये लुक देख लीजिए कितना सुहाना है। आपको दिखाते हैं अभी नहाती कहाँ पर थी हमारी रानी, और देखिए बनता था एक इसमें खाना होना बनता था, तो इसमें से धुआं निकलता था भक भक। तो आपको और आगे दिखाते हैं, इतना सुंदर लोकेशन है, यही हवेली है। और देखिए यहाँ पर ताड़ी भी लगते पीते थे, अंग्रेज के शासन का होगा तो। और देखिए यहाँ का लुक, ये ऊपर से दिखाया जा रहा है आपको। तो गाइज आपको दिखाते हैं लोकेशन, देखिए देखिए कितना कितना अच्छा दिख रहा है, देख लीजिए ये लोकेशन। और ये क्या है देखते हैं, ये देखिए खुफिया है, कैसे कैसे रास्ते बनाए थे अंग्रेज, ये खुफिया है। इस खुफिया में और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इतने दरवाजे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और लोकेशन बहुत अच्छा है, ये देखिए लगता है इसमें वो लगाकर बम मारते थे यहाँ से अंग्रेज। और देखिए चलो आपको दिखाते हैं रानी जहाँ नहाती थी, आज वहाँ के दिखाते हैं। 1850 ईस्वी से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब रानी इसमें नहाया करती थी, इसमें नहाया करती थी, देख लीजिए आप इसमें नहाया करती थी। तो आप तो नहाते नहीं हैं क्योंकि 1850 ईस्वी में भारत जब आज़ाद हो गया तो सब अंग्रेज शासन ख़त्म हो गया और हम लोग का शासन चालू हो गया, जिससे हमारा भारत आज़ाद हो गया। ये नहीं तो नहानी तब से साफ नहीं हुई है। और देखते हैं, और देखते हैं, ये देखिए यहाँ से सीढ़ी है, अब सीढ़ी से चल के ऊपर देखते हैं क्या है। देख लीजिए जब लाइट नहीं थी तब की वायरिंग हुई है, देख लीजिए। जब लाइट नहीं थी अंग्रेज के शासन में, जब लाइट नहीं थी तब की वायरिंग हुई है। दादी आप बताइए इस हवेली के बारे में, और यहाँ पर राजा कहाँ रहते थे, राजा कोई लड़का है? हाँ एक लड़का है। एक लड़का कहाँ पर रहते हैं? अभी से ना बता पाए कहाँ रहे, कभी लखनऊ रहे कभी कहीं आते नहीं है इस हवेली। अभी हो ना जा पाए कि आवे ने कि नहीं आवे ने, मतलब है लड़का। अच्छा लड़का है एक ही। तो दादी बताई हैं कि राजा के एक लड़का है जो कि अभी आते हैं चले जाते हैं, अब नाम तो नहीं पता, पर सब बता रहे हैं कि एक लड़का है राजा के, पहले ज़माने के राजा जो थे उनका एक लड़का है। तो और उनका दादा राज करते थे, तो आज वो अब कभी लखनऊ रहते हैं तो कभी कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता किसी को। तो यही दादी हैं जो हम लोगों को बता रही हैं कि यहाँ पर राजा रहते थे, पहले राज करते थे, और बता रहे हैं कि जो थे राजा वो मर चुके हैं, लड़का थे तो एक ही लड़का है। तो राजा बहुत ज़मीन लिए थे, तो ये ज़मीन छोड़ के चले गए हैं उनका लड़का, तो चले गए हैं लखनऊ। तो हम आपको मिलते हैं, तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय वंदे मातरम।